हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। टेस्टले आज मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट में आलू फाले। आलू फाले बनाने के लिए क्या चाहिए? ये आलू आलू उबाल के रखा हुआ है, मैंने मैश कर दिया आलू, है ना। और ये प्याज काट के रखा है, आलू मैश करके रखा है, प्याज भी काट दिए। अब मैं इसमें डालूँगी ये क्या बोलते हैं, ये लहसुन का पत्ते। ये लहसुन का पत्ते मार्केट से नहीं लिए, जो उस दिन मैंने डब्बा में दिखाया था ना लगाया हुआ, वही है। ये सब मसाला डाला मैंने, और ये नमक, थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, और अजीनोमोटो डाला ना, वो लहसुन के पत्ते भी डाल दिए, प्याज भी डाल दिए सब। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लो। आलू फाले में आटा का बना रही हूँ, जैसे रोटी का बनता है ना वैसे बना रहे हैं, ऐसे गोल गोल करना है। वैसे तो मैं ये बना बैठी हूँ थोड़ा बहुत, मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे करना है ना। जैसे रोटी बनता है वैसे बना लो आपको आलू फाले, मतलब आलू का रोटी स्टफिंग होता है ना आलू का। रोटी जैसे बना के अंदर स्टफिंग आलू का डाल देंगे ना, ऐसे। ऐसे बनाना ना। अब इसको साइड में रख देती हूँ, ये आगे करके। इसको ऐसे करना है, ऐसे आधा इसका है दबाना है, ऐसे करके देखो साइड को अच्छी तरह से दबाना है, पतला करना है ये वाला। फिर यहाँ से ऐसे डिजाइन करना है, ऐसे 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 खींचते जाना थोड़ा सा ना, ऐसे करके पतला हो जाएगा ना। फिर यहाँ मोटा पल कच्चा नहीं रहेगा ना, जितना यहाँ पतला करो वहाँ ये जो डिज़ाइन बनेगा पकते समय कच्चा नहीं रहते हैं। यहाँ से ऐसे इसको बोलते हैं आलू फाले। जूम कर, ऐसे ना, जितना रोटी के साइज होता है ना, रोटी बेल के फिर ऐसे से करते ना, जरा ऐसे जैसे समोसा बनता ना वैसे ही है, पर समोसा ट्रायंगल शेप में बनता ना, ये ऐसे ऐसे दबाना है इसको पक्का अच्छी तरह से, ऐसे करके। फिर यहाँ से ये वाला चोंच पकड़ना है, फिर इसको अंदर को फोल्ड करना है, फिर ये वाला पकड़ना है अंदर को फोल्ड, यहाँ से अंदर को फोल्ड, ऐसे 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 घुमाते जाना है इसको, ऐसे ना। यहाँ से नीचे थोड़ा सा चिप प्रेस करना ना, ऐसे करके ज़ोर से थोड़ा सा, ये तो ये फिर निकल जाएगा नहीं तो ना। हाँ, तो ये स्टीमर पूरा भर गया है, अब ढक्कन लगा के थोड़ा गैस के ऊपर चढ़ाएंगे सिर्फ 15 मिनट के लिए। इसको स्टीम भी खा सकते हैं और ये फ्राई करके भी खा सकते हैं, जैसे मोमो फ्राई करके खाते हैं ना वैसे खा सकते हैं। तो फिर मेरे बच्चे बोल रहे थे कि फ्राई खाना है, तो मैं यहाँ फ्राई कर रही हूँ। अभी मैं चटनी के लिए तैयारी कर रही हूँ। चटनी के लिए मिर्च पाउडर डाला मैंने, थोड़ा मोटा वाला पाउडर है, उसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ,
क्योंकि वहाँ पे मैंने गैस के ऊपर तेल गरम करने रखा है, और ऐसे मिर्च के ऊपर तेल डाल दूँगी ना तो तेल फूक भी सकती है। मैंने अजीनोमोटो डाला थोड़ा सा टेस्ट के फ्लेवर के लिए, और नमक डालूँगी अब। हाँ नमक कम ही डालो, बाद में डाल सकते हैं, मैंने तो ज़्यादा डाल दी क्योंकि मेरे मिर्च तेज है। और यहाँ मैंने मिर्च तेल के अंदर वो डाला, मैंने लहसुन काट के ना छोटे छोटे पीस काट के तेल में फ्राई कर रहे हैं। थोड़ी देर फ्राई कर लेते हैं इसको। यहाँ वहाँ मेरे मोमो भी हो रहा है, फाले भी निकल रहा है तेल में, ऐसे फूक ना जाए, फिर वहाँ पर भी ध्यान देना पड़ता ना। तो यहाँ मेरा लहसुन भी हो रहा है तैयार है, थोड़ा ब्राउन होने देते हैं इसको। क्योंकि ना थोड़ा सा लहसुन डालेगा ना तो चटनी थोड़ा ठीक बनता है। आज ये बिना टमाटर की चटनी है, ये इजी वाला जो है तो ना, ज़्यादा झंझट नहीं है। अभी मैं लहसुन डाल सकते हैं आप ये लहसुन चटनी में ही, पर मेरे बच्चे फिर ऐसे होता ना मुंह में चल जाता बोल के नहीं खाते ना, तो फिर मैं नहीं डाल रही हूँ। लहसुन को साइड कर रही हूँ, बस तेल, सिर्फ तेल ही डाल रही हूँ इसके ऊपर तड़का लगाने के लिए। तेल डाल के भी तो लहसुन का पूरा फ्लेवर उसी में ही तो आ जाएगा तेल में, और ये लहसुन आप बाद में तड़के में यूज़ कर भी सकते हो। जी गुड मॉर्निंग जी, ये है आज का ब्रेकफास्ट, ये थाली आपके नाम पे, आप सभी उनके नाम पे। हैव अ गुड ब्रेकफास्ट। आज संडे ना, तब मैं थोड़ी देर के लिए फ़ोन लेके आई थी क्योंकि बच्चे ऐसे बैठे हुए थे, तो मैंने सोचा थोड़ा एक आध वीडियो बना लेती हूँ। ये मैं आज कुर्ता काटा हुआ था ना मैंने रात का, वो बना रही हूँ आज, तो मैं सी के दिखा देती हूँ ना। ये मैं गला काट रही हूँ अभी, गले का डिज़ाइन।
ये मैंने अभी बनाया है। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और यहीं पे मैं वीडियो आज बंद कर रही हूँ। थैंक यू, बाय।